केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पर बोला जमकर हमला। समाजवादी पार्टी की सरकारों में गुंडा राज, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। बस्ती जिले के हरैया विधानसभा के जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश से मच्छर और माफिया दोनों का सफाया कर दिया है। बीजेपी सरकार के पहले प्रदेश की जनता मच्छर और माफियाओं से त्रस्त थी। बीजेपी सरकार के आने के बाद इन दोनों का सफाया प्रदेश से हो गया है। वहीं अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश एक तरफ धर्म और एक तरफ जाति के चश्मे से देखते हैं। हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। देश के गृहमंत्री अमित शाह ने चुनावी समर में विपक्षी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टियों को जमकर लताड़ लगाई। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में सुशासन के दावे करते हुए समाजवादी पार्टी की सरकारों में गुंडा राज, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। अमित शाह ने कहा कि पहले प्रदेश में कट्टे छुरियां बनते थे, लेकिन अब प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है और उसमें गोले बन रहे हैं जो सीधे पाकिस्तान में गिराए जाएंगे। मौजूद जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने सभी से 300 सीटों का संकल्प दिलाने कहा और कहा कि एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाने की गुजारिश है। अपने भाषण की शुरुआत में ही गृहमंत्री अमित शाह ने मौजूद जनसमूह से 300 सीटों की संकल्प के साथ मुट्ठी भर भींच कर प्रचंड आवाज में भारत माता की जय के नारे लगवाए और महाराजा सुहेलदेव को प्रणाम करते हुए अपने भाषण की शुरुआत की। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि चार चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है और चार चरणों में यह सुनिश्चित हो चुका है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चला है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में आजम खान, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोग कहाँ हैं यह सब जानते हैं। एक बार फिर कमल का बटन दबाइए तो ऐसे कई लोगों की जेल जाने के लिए लाइन लगी हुई है। अमित शाह ने घोषणा करते हुए कहा कि एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, उच्च शिक्षा के लिए तैयार हुए युवाओं को लैपटॉप और टैबलेट, साथ ही उच्च शिक्षा के लिए छात्राओं को स्कूटी भी दी जाएगी। 40 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बस्ती जिले से अनिल शुक्ला की रिपोर्ट। पहले बस्ती आया था मैं, खेलकूद था, मगर शाम को हेलीकॉप्टर जल्दी उड़ना था, ज्यादा रुक नहीं सकता। ये हमारे हरीश भाई है, हमें बुलाते ही नहीं है तो आए कहां से भाई। मगर इस बार चुनाव है तो आपके यहां आने का मौका मिल गया। हरैया वालों को मिलकर मन को बहुत बहुत आनंद होता है भाई। अखिलेश यादव जी को हजारों बच्चे मारे जाते थे, अखिलेश बाबू आप क्या करते थे? आप गर्मियों में परिवार के साथ लंदन में सैर मनाते थे, सैर मनाने के लिए। ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं करते। मोदी जी ने पूरे पूर्वांचल को स्वास्थ्य का हब बनाने का काम किया। वाराणसी में मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर बनाया, होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल लोहरदारा का संचालन किया, गोरखपुर में एम्स थोड़े ही समय में लोकार्पण होगा, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का निर्माण किया, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर में मेडिकल कॉलेज बनाए, और अब सरकार बनने के बाद पहले ही साल में इस बस्ती में भी मेडिकल कॉलेज बनाने का भारतीय जनता पार्टी ने किया। मजबूत नींव पर मजबूत इमारत बनाने का काम अब आगे करना। बस्ती जिले की जनता को मैं करबद्ध निवेदन करने आया हूं कि होली के पहले फिर से एक बार यहां से 5 कमल मोदी जी की झोली में भेज दीजिए, 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिता दें। हम आए थे 2017 में, मैं पूछता था लोगों को, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, उत्तर प्रदेश के लोगों को पूछता था कि उत्तर प्रदेश वालों का तो मुझ पर बहुत कृपा है भाई। मैं प्रभारी बनकर आया, 80 में से आपने लोकसभा में 73 सीटें दी थी, अध्यक्ष बनकर आया 325 सीटें दे दी, फिर से अध्यक्ष बनकर आया 65 सीटें दे दी,
अब गृह मंत्री बनकर आया हूँ, फिर से एक बार मजबूत सरकार बना दीजिए। मैं उस वक्त पूछता था कि यूपी वालों हमें क्या करना है, जरा बताइए। सभी लोग ये कहते थे कि तनिक विकास कम होगा तो चलेगा, ये बाहुबली माफियाओं से हमें मुक्ति दिला दो। कहते थे या नहीं कहते थे भाई? ये माताएं बहने कहती थी घर में बिजली नहीं है, बिजली का वायर डलवा दो। कहते थे या नहीं कहते थे? आज मैं कहता हूं 5 साल के बाद उत्तर प्रदेश में माफियाओं का सफाया करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मुझे बताओ आजम खान कहां है भाई? जोर से बोलो कहां है? अतीक अहमद कहां है? मुख्तार अंसारी कहां है? अगर बस्ती वालों हरैया वालों गलती कर दी और साइकिल की सवारी करी तो जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? तो क्या करना है? कमल के फूल पर बटन दबाना है भाई, कमल के फूल पर बटन। की ये धरती सालों तक पूरे भारत को प्रेम भाईचारा और आध्यात्म का संदेश भेजती रही है। इस भूमि में आज आकर 7 अर्थ में हरैया वालों दिल गदगद हो जाए, ऐसी अनुभूति होती है। माताओं भाइयों बहनों, यूपी के चुनाव के 4 चरण समाप्त हो चुके हैं, आधे से ज्यादा चुनाव हो चुका है, परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो 10 मार्च के पहले परिणाम बता दूं, पीछे वाले बोलो बता दूं, दाहिने कोने वाले बोलो बता दूं, माताएं बोले बता दूं क्या? 4 चरण में सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो, फिर से एक बार उत्तर प्रदेश के अंदर 300 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। 4 चरण के ये जो भूमि है, इस भूमि पर आचार्य वशिष्ठ ने अपनी तपोस्थली बनाई थी। भगवान राम और लक्ष्मण, इनको राम और लक्ष्मण बनाने की शिक्षा यही हरैया और बस्ती की भूमि पर दी गई। संत कबीर ने शरीर छोड़ने के लिए भी यही भूमि को पसंद किया और गोरखनाथ जी ने भी यही भूमि को पसंद किया। मित्रों, ये पवित्र भूमि है, इस भूमि को प्रणाम करकर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ।